नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आंवले के फल में विटामिन सी और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और हम आंवले को किसी भी रूप में खाएं, कच्चा खाएं, इसका जूस पिएं या इसकी सब्जी बना के खाएं या इसका अचार या मुरब्बा या जैम, किसी भी रूप में खाएं, आंवले के विटामिन हमको मिल जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो आज हम आंवले का अचार बनाएंगे। तो आइए देखें, आंवले का अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये आंवले, आधा किलो आंवले हैं, 500 ग्राम सरसों का तेल 1 कप, नमक 4 छोटे चम्मच, पीली सरसों 4 छोटे चम्मच, हल्दी पाउडर 2 छोटे चम्मच, सौंफ पाउडर 2 छोटे चम्मच, हींग 1/4 छोटे चम्मच, अजवाइन 1 छोटी चम्मच, दाने मेथी 2 छोटी चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच से कम। आंवले का अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले आंवलों को उबालना होगा। तो आंवले हम किसी भी बर्तन में डाल देंगे। और थोड़ा सा करीब 1.5 कप पानी डाल देंगे। गैस ऑन कर देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम थोड़ा सा इसे गैस को सिम करेंगे और धीमी गैस पर आंवले को नरम होने तक उबलने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं आंवले उबलते हुए। पहले भी हमने बीच में चेक कर लिए थे 5 मिनट बाद, और अभी हम फिर से देख लेते हैं। तो अब आंवले थोड़े दब रहे हैं, बस इतना नरम करने हैं आंवले को हमें कि उनकी हम कलियां खिला सकें। तो आंवले इतने नरम हो गए हैं कि हम उनकी कलियां निकाल सकते हैं। गैस बंद कर दे रहे हैं और आंवले को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब इनकी कलियां खिलाते हैं अचार के लिए। पानी में से निकाल लेंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए, और जैसे ठंडे हो जाएंगे हम इनकी कलियां निकाल लेंगे। आंवले थोड़े ठंडे हो गए हैं और अब हम इनकी कलियां खिला लेते हैं। तो कलियों के लिए अगर हम हाथ से भी इनको दबाएं तो भी कलियां निकल जाएंगी। अलग अलग कर लेंगे इन्हें। ये आंवले सारे हमने कलियां खिला ली है आंवलों से, और अब हम इनका अचार बनाएंगे। तो अब अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले तेल गरम करना होगा, और पैन में ये तेल डाल करके हम धुआं उठने तक गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे। तेल से धुआं निकल रहा है और तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होने देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, तब मसाले डालेंगे। ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं हम और इसके बाद में ठंडा करते हैं। तो ये हम तेल को ज़्यादा गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तीखापन कम हो जाता है। ये सरसों का तेल है और इसमें बहुत तीखापन होता है। तो जब हम गर्म कर लेते हैं तो तेल में इम्प्योरिटी है वो भी दूर हो जाएंगी और तीखापन भी कम हो जाएगा। अचार के लिए ज़्यादातर सरसों का ही तेल लेते हैं, सरसों के तेल में ही अचार अच्छे बनते हैं। तो अभी भी तेल काफ़ी गर्म है, धुआं उठ रहा है, अभी हम तेल को थोड़ा और ठंडा करेंगे। तेल से धुआं उठना बंद हो गया है, तेल अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है पहले की अपेक्षा। तो अभी हम तेल में मसाले डाल देंगे। ये सबसे पहले हम हींग डाल देंगे, ये मेथी के दाने और ये अजवाइन। हल्के से भुन जाए मसाले। और अब हम ये आंवले के पीसेस भी डाल देंगे।
सौंफ पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, पीली सरसों पाउडर और नमक। ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे कि सब अचार में बिल्कुल चारों ओर कोट हो जाए। आमले के टुकड़ों के ऊपर मसाले अच्छे तरीके से चारों ओर कोटिंग हो जाए। ये अचार हमारा बन चुका है, लेकिन अचार हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद कंटेनर में भरेंगे। आंवले का अचार तैयार है। अचार को 3-4 घंटे के बाद खाया जा सकता है, लेकिन अचार का असली स्वाद 3 या 4 दिन के बाद मिलेगा। तब तक आंवले में सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अचार को ठंडा होने के बाद कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। अचार ज़्यादा चलें इसके लिए सावधानी रखें कि सबसे पहले जिस कंटेनर में हम अचार को भर रहे हैं उसको बॉयल पानी से अच्छे से धोएं और धूप में अच्छी तरह सुखा लें। उसे नमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। कंटेनर में अचार डाल करके रख दें और अचार को तेल में डुबा करके रखें। अचार कभी भी निकालें तो चम्मच गीली नहीं होनी चाहिए, हमेशा साफ और सूखे चम्मच से अचार निकालें। अचार बहुत ज़्यादा समय तक चल जाते हैं। आप आंवले के अचार को 6 महीने तक रख करके खा सकते हैं। आप आंवले का अचार बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।